हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेस। और ये वीडियो में मैं आप लोगों के एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन बताऊंगा जिसका नाम है फिल्मोरा गो फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये एक्चुअली पीसी में भी मैं इसे यूज करता हूँ और बहुत ही अच्छा यूजफुल एप्लीकेशन है। और मोबाइल के अंदर फिल्मोरा गो के नाम से ये एप्लीकेशन जो वो फ्री में मिलता है। तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज्यादा डीप एडिटिंग करने का मौका देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की तरफ रीड कर सकते हैं और म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन ओवरलेस वगैरह बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी जो बता देता हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है और ऊपर की तरफ सर्च करना है फिल्मोरा गो इस तरीके से। और पहला जो एप्लीकेशन आएगा आपको ओपन करना है और ये फ्री है, तो आपको उसको जो वो इंस्टॉल करना है। और जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस को लो कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अब यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट न्यू वीडियो और सेव्ड प्रोजेक्ट। तो अभी तो फिलहाल तो आप पहली बार यूज करके तो आपको क्रिएट न्यू ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं, ये आपको सारे वीडियोस आपके मोबाइल के अंदर जितने भी वीडियोस है वो यहाँ पे आपको बता देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियोस ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ ये वाला कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ये वाला बैक कर देते। आपको यहाँ पे टिक करना है इस तरीके से और फिर नेक्स्ट करना है कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करने का। फिर आपको ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इस तरीके से इंटरफेस आपको आ जाता है। अब यहाँ पे राइट में आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन देता है थीम्स, म्यूजिक, ट्रांजिशंस, रेशियो और एडिट टूल। थीम्स में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया टैब यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता है। तो आपको इस तरीके से आपके वीडियो के ऊपर जो वो थीम्स आ जाती है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके का। आप जैसे दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो दूसरे जगह के दूसरा थीम्स आ जाता है। थोड़े बहुत थीम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इस तरीके के, आप जो अपने मोबाइल के ना लगा सकते हैं। म्यूजिक में जाएंगे तो आपको जो है वो अपने यहाँ पे आपको ये ऑडियो देता है NCS, इसकी खुद की ऑडियो देता है। या फिर अपने माई लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप अपने माई लाइब्रेरी की ऑडियो भी यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। वीडियो के ऊपर जो ऑडियो चलते हैं बैकग्राउंड में, आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन जो है वो दो वीडियो पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो क्लिप है तो ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं। एक वीडियो जाने के बाद दूसरा क्लिप आने के लिए जो ट्रांजिशन आता है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे लिखा है द ट्रांजिशन मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू वीडियो, फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नीचे की तरफ और रेशियो। रेशियो क्या करता है कि आप जैसे कि स्क्रीन रेशियो जो होता है वो यहाँ पे आप जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कट साइड ब्लर वगैरह जो यहाँ पे आपको जिस तरीके का चाहिए आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन अगर आप नीचे की तरफ आते हैं आपको तो यहाँ पे एडिट टूल मिलता है। एडिट टूल में अगर आप जाते हैं तो ये काफी सारे एडवांस फीचर आपके सामने ओपन कर देता है। नीचे की तरफ देख सकते हैं ट्रिम में जाएंगे तो आपको जो वो वीडियो को ट्रिम करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको कितना वीडियो ट्रिम करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं, फिर ओके कर देंगे तो वीडियो जो उतना ही ट्रिम हो जाएगा। फिल्टर्स में जाएंगे तो आपको फिल्टर्स ऐड करने का देता है। इस तरीके से आपके वीडियो के ऊपर जो वो फिल्टर आ जाएंगे। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो फिल्टर्स आपको डाउनलोड करना हो यहाँ पे इस तरीके से टैप करके आप उसको जो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे आएंगे ओवरलेस, वीडियो के ऊपर जो ओवरलेस आते हैं इस तरीके के ओवरलेस आप देख सकते हैं। ये सारे अभी पुरानी फिल्म जैसा हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लव जैसा हो गया है। काफी सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और टाइटल अगर आपको डालना है कोई टेक्स्ट वगैरह तो इस तरीके से आप जो टेक्स्ट डाल सकते हैं बीच के अंदर, और उसको एडिट करना है तो आप उसको एडिट करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना है तो टैप टू ऐड टाइटल में जाके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की देखेंगे स्पीड आपको कितना फास्ट चाहिए, कितना स्लो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्टर चाहिए, फास्टर चाहिए, आप यहाँ पे आके भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट में जाएंगे तो आप डुप्लीकेट वीडियो, यानी कि ये फाइव वीडियो का डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरीके से आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में वन क्लिप और दो क्लिप हो गई। तो वन क्लिप में मैं करूंगा तो पहला क्लिप आएगा और दूसरा क्लिप करूंगा तो दूसरा क्लिप आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप वॉल्यूम, वॉल्यूम में जाएंगे तो आपको वीडियो की वॉल्यूम कितनी रखनी है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, और म्यूजिक जो उसके ऊपर हमने एडिट किया है उसकी वॉल्यूम आपको कितनी रखनी है वो आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको रोटेट करने का ऑप्शन देता है इस तरीके से। और उसके बाद जब आप एडिटिंग कर ले कंप्लीट कर लेते हैं फाइनली जब आपका सब कुछ हो जाता है तो आप जो है वो यहाँ से इसको जो सेव कर सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद यहाँ पे जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन एक बहुत ही अच्छा है, एडवांस है और फ्री है, आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर बैठे बैठे। अगर आपको वीडियो बनाना है अच्छे खासे एडिट करना है तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़े बेसिक फीचर बता दिया ये एप्लीकेशन के बारे में, और बाकी का आप जो खुद जब यूज करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। यहाँ पे ऐड क्लिप यानी कि और को दो तीन क्लिप आपको ऐड करना है एक साथ, आप यहाँ पे जाके ऑप्शन में जो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर देंगे तो ये जो वो सेव हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था।
बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, सोचा आप लोगों के साथ तो शेयर कर लूँ, और जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको ये काफी जो है वो यूजफुल हो जाएगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।